गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग उपभोक्ता संरक्षण और शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले अति लघुतरीय प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, किसी भी उत्पादित वस्तु का को खरीदने वाला तथा उसका व्यवहार करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, PFA के अनुसार किस खाद्य पदार्थ को मिलावट वाला कहा जाएगा? इसका उत्तर है, PFA के अनुसार उन सभी खाद्य पदार्थों को जो इसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम मान्य पर खरे नहीं उतरते हैं, उन सभी खाद्य पदार्थों को मिलावट वाला समझा जाएगा। तीसरा प्रश्न है, वस्तुओं में मिलावट को रोकने के लिए कौन सी अधिनियम बनाया गया? इसका उत्तर है, वस्तुओं में किए जाने वाले मिलावट के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा PFA अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम को 1955 में लागू किया गया। चौथा प्रश्न है, उपभोक्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, उपभोक्ता शिक्षा से तात्पर्य उपभोक्ता के अंदर इस प्रकार से निर्णय लेने की क्षमता पैदा करना जिससे वह कब, कहां से और कितना खरीद सके, इसका सही सही निर्णय कर सके। पांचवा प्रश्न है, उपभोक्ता को वस्तुएं कहां से खरीदनी चाहिए? इसका उत्तर है, उपभोक्ता को हमेशा सुपरमार्केट और सरकारी दुकान से ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए। छठा प्रश्न है, चाय तथा कॉफी के मानक चिन्ह के नाम बताएं। इसका उत्तर है, चाय तथा कॉफी पर एक मार्क लिखा होता है। आगे का प्रश्न है, उपभोक्ता के कोई दो कर्तव्य लिखें। इसका उत्तर है, पहला तो हम सभी उपभोक्ता का यह कर्तव्य बनता है कि हम हमेशा उचित कीमत और गुणवत्ता वाले वस्तु ही खरीदें। दूसरा कि हमें किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उसके नाप तौल तथा गुणवत्ता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहिए। किस दो तरीकों के सूची पत्र उपभोक्ता की सहायता करते हैं? इसका उत्तर है, किसी वस्तु पर
लगा हुआ लेबल और उत्पादक के द्वारा उस वस्तु पर चिपकाया गया सूची पत्र। आगे का प्रश्न है, उपभोक्ता को वस्तु कब खरीदनी चाहिए? इसका उत्तर है, किसी भी उपभोक्ता को जब किसी वस्तु की आवश्यकता हो तभी उस वस्तु को खरीदना चाहिए। मानकीकरण चिन्ह से आप क्या समझते हैं? मानकीकरण चिन्ह वह प्रमाण होता है जो किसी वस्तु की शुद्धता तथा गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता को आश्वस्त करता है। ये मानकीकरण चिन्ह सरकार द्वारा प्रदत्त होते हैं। जिन वस्तुओं पर ये सरकारी मानकीकरण चिन्ह होते हैं, हमें हमेशा उन्हीं वस्तुओं को खरीदना चाहिए। बिजली के उपकरण पर कौन से मानकीकरण चिन्ह होते हैं? बिजली के उपकरण पर सरकार द्वारा निर्धारित ISI मानकीकरण चिन्ह होता है। संरक्षित फलों पर कौन सा मानकीकरण चिन्ह होता है? संरक्षित फलों पर FPO का मानकीकरण चिन्ह होता है। FPO का पूरा नाम क्या है? FPO का पूरा नाम फल उत्पादक आदेश यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है। ISI मानक चिन्ह देने वाले ब्यूरो का नाम क्या है? ISI चिन्ह देने वाले ब्यूरो का नाम BIS यानी ब्यूरो ISI मानक चिन्ह देने वाले ब्यूरो का नाम BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। लेबल क्या होता है? लेबल किसी वस्तु पर चिपकाया गया वह सूचना पत्र होता है जो उपभोक्ता को उस वस्तु के उत्पादन में व्यवहार किए गए वस्तुओं के बारे में तथा उत्पाद उस वस्तु के व्यवहार के तरीके व्यवहार की अवधि के बारे में पूर्णतः जानकारी देता है। मुख्य खाद्य कानून कौन कौन से हैं? मुख्य खाद्य कानून के अंतर्गत पहला है
PFA यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट, दूसरा है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर यानी FPO, तीसरा है मांस उत्पाद नियंत्रण आदेश, चौथा है औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, पांचवा है हानिकारक औषधि अधिनियम तथा छठा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसके बाद का प्रश्न है किन्हीं दो स्वैच्छिक संस्थाओं के नाम लिखें जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करते हैं। तो ये दो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उपभोक्ता समितियां और सहकारी समितियां। उपभोक्ता के दो कर्तव्य के बारे में लिखें, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि उपभोक्ता का यह कर्तव्य बनता है कि वह जब भी कोई वस्तु खरीदे तो उसके गुणवत्ता, मूल्य, नाप तोल इत्यादि के बारे में पूर्णतः आश्वस्त हो जाए। दूसरा है यदि उसके साथ विक्रेता के द्वारा अथवा उत्पादक के द्वारा कोई धोखाधड़ी की जाती है तो उसकी शिकायत वह संबंधित विभाग में या कार्यालय में अवश्य करे। इसके बाद आता है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है विक्रेता के द्वारा वस्तुओं को कम तौलने के लिए क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं। विक्रेता के द्वारा वस्तुओं को कम तौलने के लिए सबसे पहले तो उनका बाट सही नहीं होता, दूसरा वह उपभोक्ता की आंखों में धूल झोंक कर कम वस्तु तौलते हैं, दूसरा प्रश्न है भ्रामक घोषणाएं उपभोक्ता को सहज ही आकर्षित कर लेती हैं। इसका उत्तर है कि यह बिल्कुल सत्य है कि भ्रामक विज्ञापन अथवा उत्पादक कंपनियों के द्वारा आकर्षक एवं भ्रामक घोषणाओं के झांसे में आकर व्यक्ति सहज ही उस वस्तु की ओर आकर्षित हो जाता है और ना चाहते हुए भी, आवश्यकता नहीं होने पर भी उस वस्तु की खरीदारी कर लेता है, लेकिन खरीदने के बाद और व्यवहार करने के बाद उसे यह पता चलता है कि विक्रेता के द्वारा अथवा उत्पादक कंपनियों के द्वारा उनको रिझाने के लिए या उनको आकर्षित करने के लिए ऐसे भ्रामक प्रचार किए गए हैं। इसलिए उपभोक्ता को भी यह चाहिए कि वह विक्रेताओं अथवा उत्पादक के द्वारा समय समय पर किए जाने वाले भ्रामक घोषणाओं और उपहार के झांसे में ना आए, जिस वस्तु की आवश्यकता ना हो उसे ना खरीदें।
तीसरा प्रश्न है, उपभोक्ता को सूचना देने में जन संचार माध्यम कैसे सहायता करता है? इसका उत्तर है, बच्चों उपभोक्ता को सही सही जानकारी देने में जन संचार माध्यम का बड़ा ही योगदान होता है। जन संचार के माध्यम से उपभोक्ता को किसी वस्तु के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है, जैसे उसे कौन सी वस्तु कहाँ से खरीदनी चाहिए, धोखाधड़ी से बचने के लिए उपभोक्ता को क्या क्या करना चाहिए, और यदि उसके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। इन तमाम बातों की जानकारी जन संचार के माध्यम से उपभोक्ता तक आसानी से पहुंचाई जाती है। आगे का प्रश्न है, उपभोक्ता शिक्षा से क्या लाभ होते हैं? बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि उपभोक्ता शिक्षा का तात्पर्य उपभोक्ता में इस प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करना जिससे उसे क्या खरीदना है, कहां से खरीदना है, कब खरीदना है और कितनी मात्रा में खरीदना है, इसका सही सही ज्ञान हो सके। उपभोक्ता शिक्षा के द्वारा उपभोक्ता को विक्रेताओं की चालाकी से किस प्रकार बचना है और किस प्रकार से विवेकपूर्ण ढंग से खरीदारी करने चाहिए, इसके लिए तैयार करना है। इतना ही नहीं, उपभोक्ता शिक्षा उपभोक्ता को उन तमाम समस्याओं से अवगत कराती है जिनका सामना उसे खरीदारी करते समय करना पड़ता है। उपभोक्ता शिक्षा उपभोक्ताओं के अंदर तर्क करने की क्षमता उत्पन्न करती है जिसके आधार पर वह खरीदारी करने से पूर्व तर्क करता है और तर्क के आधार पर सही गलत का निर्णय करने के बाद ही खरीदारी करता है। इतना ही नहीं, उपभोक्ता शिक्षा उपभोक्ता को वर्तमान मार्केटिंग कंडीशन की भी पूरी पूरी जानकारी देता है, अर्थात बाजार में कौन से वस्तु कहाँ उपलब्ध हैं, वस्तुओं को खरीदने के कौन कौन से साधन हैं, अच्छा तथा सस्ता वस्तु कहाँ से खरीदा जा सकता है, किन किन दुकानों में उपभोक्ता को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा रही है, इत्यादि तमाम